नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नोत्तर श्रृंखला के क्रम में आज मैं आपको छंद विषय पर कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। मैं यहाँ ऐसे प्रश्न लाती हूँ जो आपके शायद नज़रों में के सामने ना पढ़ पाते हों, लेकिन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। चलिए बात करते हैं छंद संबंधी कुछ प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न, छंद शास्त्र का प्रणेता किन्हें माना जाता है? छंद शास्त्र का प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों, छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कई बार आ चुका है ये परीक्षाओं में। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक। कड़वक अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद है। तीसरा प्रश्न, मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर है सोरठा। चौथा प्रश्न, रहीम ने बरबैनाई का भेद में किस छंद का प्रयोग किया? रहीम ने बरबैनाई का छंद भेद में बरबे छंद का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, सवैया किस प्रकार का छंद है? सवैया किस प्रकार का छंद है? तो सवैया वार्णिक छंद है। वार्णिक छंदों में किसका विचार किया जाता है या होता है? वार्णिक छंदों में वर्ण का विचार किया जाता है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं। सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं। 16 और 11 पर यति होती है। अगला प्रश्न, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तज डारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? दोस्तों, इसमें प्रयुक्त छंद है सवैया छंद। अगला प्रश्न, मात्रिक छंदों के भेद बताइए। तो दोस्तों, मात्रिक छंदों के 3 भेद हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा विषममात्रिक छंद। अगला प्रश्न, हे प्रभु आनंददाता, सभी ने सुना होगा ये, हे प्रभु आनंददाता में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो दोस्तों, हे प्रभु आनंददाता में गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। गति किसका विलोम होता है? गति यति का विलोम होता है। छंद शास्त्र में अशुभ या दग्धाक्षर किन वर्णों को माना जाता है? छंद शास्त्र में अशुभ या दग्धाक्षर किन वर्णों को माना जाता है? तो दोस्तों, यह है झ, ह, र और भा। इन्हें अशुभ या दग्धाक्षर वर्ण माना जाता है। छंद के चरणांत्र अक्षर मैत्री को क्या कहते हैं? छंद के चरणांत अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। गण किसे कहते हैं? लघु गुरु के नियत क्रम में 3 वर्णों के समूह को गण या समूह कहते हैं। लघु गुरु के नियत क्रम में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के द्वारा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।